तो आप सभी स्टूडेंट को इस वक्त की सबसे बड़ी बिगेस्ट अपडेट जो है जानकारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जी हाँ, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज, नई वैकेंसीज जो है अपडेट्स निकल कर आ चुका है, और वो भी शिक्षक के जो है 12,489 पोस्ट के लिए। क्योंकि आप सभी स्टूडेंट काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,489 पोस्ट के लिए जो है भर्ती जो है कब से निकल कर आएगा, किस तरीके से होने वाला है, इसमें हमारा सिलेक्शन जो है हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। आप ऐसे हर एक स्टूडेंट यही सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए जिनका सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई हो चुका है या फिर सीजी टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई या फिर सी टेट, उनमें से हर एक स्टूडेंट का यही सपना है शिक्षक बनने का। क्योंकि उनको क्या करना है, सिर्फ शिक्षक भर्ती परीक्षा जो एग्ज़ाम्स होगा, रिटर्न एग्ज़ाम्स जो 150 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें अच्छे से नंबर लाना है, देन वो शिक्षक जो है बन पाएंगे। क्योंकि पोस्ट जो है कम नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं, 12,489। अगर एक पोस्ट सिर्फ 12,488 में किसका सिलेक्शन होता है कोई पता नहीं, लेकिन सिर्फ एक ही पोस्ट है, अगर आप एक बार यदि शिक्षक बन जाते हैं, एक बार यदि आप टीचर्स बन जाते हैं, तो आपको इसमें अच्छा सैलरी मिलेगा, बेस्ट पैकेज मिलेगा, बेस्ट सैलरी मिलेगा, जिससे आपके सभी सपने, जिससे आपके सभी ड्रीम्स, आपके सभी ख्वाब जो है पूरे हो पाएंगे। क्योंकि ख्वाब आपके हैं, सपने आपके हैं, तो उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो आपका ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं आने वाला आपकी मेहनत, आपके हेल्प करने वाला है। क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, यहाँ पर जो है नेम फेम पैसा ही देखा जाता है। अगर आपके पास पैसा है तो आपकी भी एक वैल्यू है, अगर पैसा नहीं होगा तो मतलब आपकी पास कुछ भी नहीं है। तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, देखिए 12,489 पोस्ट तैयार है, अपॉर्चुनिटीज हैं, इस मौके को कभी मत छोड़िए। वही काफ़ी स्टूडेंट को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, देखिए अगर आपने सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया है, तो अपने आप में ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है कभी भी मत लाना है कि मैंने तो एक महीने, क्योंकि जब सीजी टेट का नोटिफिकेशन सीजी व्यापम के द्वारा जारी हुआ था, उस टाइम आप लोगों के पास जो है एक महीने से भी कम समय, यानी कि लगभग आप लोगों के पास जो है 25 से 28 दिन का समय था। तो 25 से 28 दिन में आप लोगों ने अच्छे से मेहनत किया, तैयारी किया, और 25 से 28 दिनों में तैयारी करने के बाद यदि आपका सीजी टेट एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो चुका था, तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैंने तो 25 से 28 दिन में सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर लिया था, तो अब ये शिक्षक भर्ती क्या है, शिक्षक भर्ती परीक्षा तो मैं 2 महीने में ही तैयारी कर लूँगा, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट होते हैं जिनको अपने आप पर ओवर कॉन्फिडेंस आता है, उन्हें ये लगता है कि यार हम तो बहुत कम समय में कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। वही काफ़ी स्टूडेंट तो ये बोलते हैं कि मैं तो पेपर के टाइम पढ़ता हूँ, फिर भी 60% 60% ले आता हूँ, तो इसमें क्या है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है, सभी चीज़ तो आसान है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ऐसा ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, आपको बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलेगा, बिना मेहनत किए तैयारी, बिना कॉम्पिटिशन के कुछ भी होने वाला नहीं है। तो और कॉन्फिडेंस अपने अंदर कभी भी मत लाओ, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ, और कॉन्फिडेंस के साथ अगर तैयारी करोगे, कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप मेहनत करोगे, तो अवश्य रूप से आपको सक्सेस जो है मिल पाएगा। देखिए जब आप लोग अच्छे से मेहनत करते हैं, तो आपको जब हार्डवर्क करते हैं तो उसका रिज़ल्ट अप्रिशिएट, आप खुद को अपने आप पर अप्रिशिएट, आपको जो है खुद के ऊपर प्राउड होना चाहिए। देखिए आप इस चीज़ पर जो है कभी भी मत रहिए, फालतू के जो आपके दोस्त रहते हैं तारीफ, इन सभी चीज़ों से दूर रहिए। जितना ज़्यादा आप अपने लिए मेहनत कर सकोगे, जितना ज़्यादा आप अपने लिए तैयारी कर सकोगे, उतने ही ज़्यादा आप लोगों के लिए बेनिफिट्स होगा, उतने ही ज़्यादा आपको जो है इसमें कामयाबी जो है सक्सेस मिलने वाला है। तो बिना किसी देरी किए आज से ही स्टार्ट करना शुरू कर दो, क्योंकि आप लोगों को इस बात पर फोकस करना है, इन चीज़ों पर फोकस करना है, क्योंकि आप लोगों के पास अभी बहुत ज़्यादा समय है। क्योंकि जब समय जो है निकल जाएगा, उस टाइम आप लोगों को रियलाइजेशन होगा कि यार काश मैंने पहले पढ़ाई किया होता, काश मैंने पहले तैयारी किया होता, तो उस टाइम आपके पास कोई भी समय नहीं रहेगा। तो टाइम के वैल्यू को, टाइम के इंपॉर्टेंस को जो आपको समझना चाहिए, अगर आपने टाइम्स के इंपॉर्टेंस को, सारे टाइम के महत्व को समझ लिया, तो आपको सफलता प्राप्त करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और एक बार अगर आप शिक्षक बन गए, तो इसमें आपका स्टार्टिंग सैलरी जो रहेगा, ये सैलरी आपका रहेगा 15,000 रुपये से लेकर जो है 20,000 रुपये तक आपको जो है प्रत्येक माह सैलरी मिलेगा। और अगर आप निरंतर जॉब करते रहे, रेगुलर पोस्ट रहे, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एक समय ऐसा आएगा जब आपको जो है 35 से 45 हज़ार रुपये जो है आपको हर एक महीने जो है सैलरी मिलेगा। देखिए शुरुआत कितने से हुआ, 15 से,
20, लेकिन आपको 35 से 45 और बढ़ते बढ़ते 50 से 55 हज़ार तक भी आपका जा सकता है। लेकिन सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर, आपके फोकस के ऊपर ही डिपेंड करता है। सब कुछ मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है। मेहनत करोगे कामयाबी मिलेगी, मेहनत करोगे सक्सेस भी नहीं मिलेगी। बिना मेहनत किए, मेहनत किए आपको जो है कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको जो कामयाबी मिल भी रहा होगा वो कामयाबी भी आपको जो है नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए जो हमें तैयारी करना ज़रूरी है, हमें काम करना ज़रूरी है, बिना रुके बिना थके। क्योंकि मैं तो आपको यही बोलता हूँ कि सक्सेस होने के लिए सिर्फ एक ही मौके मिलते हैं, और एक ही मौके में अगर आप एक बार कामयाब हो गए, एक बार यदि आपको सक्सेस मिल गया, एक बार यदि आपको प्रसिद्धि मिल गई, उसके बाद ज़िंदगी भर आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आपकी ज़िंदगी बहुत आराम से होगा, फिर आप रिलैक्स के साथ जो है ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उसे एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए अभी तो आपको मेहनत करना होगा, अभी तो वो आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर तुम काम करने की उम्र में आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में तुम्हें काम करना पड़ेगा। इसलिए ये समय, ये मौका, अपॉर्चुनिटी सबको ज़िंदगी में जो है बार बार नहीं मिलने वाला। इसलिए इस मौके का, इस समय का अच्छे से यूज़ कीजिए, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से मेहनत करो, ताकि आप जो है कामयाब हो सके। क्योंकि दुनिया आपकी ये नहीं देखती कि आप जो है सक्सेस हैं, आपको सक्सेस से मतलब होना चाहिए। यदि आप सक्सेस हैं, कामयाब हैं, तो लोग आपकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे, आपके वैल्यू को समझेंगे। अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो मतलब कि आपकी कोई भी आपका कोई मतलब नहीं है। दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, डूबते हुए सूरज को सलाम करने वाला कोई नहीं है। तो आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, आपके ज़िंदगी में कुछ गोल है, अचीवमेंट है, तो उन सभी सपनों को पूरा करने के लिए जो है आगे बढ़ते रहो नॉनस्टॉप, बिना किसी रुके, बिना कभी थके। एक बार अगर आपने अच्छे से परिश्रम कर लिया, एक बार अगर आपको सफलता मिल गई, शोहरत मिल गया, उसके बाद आपकी ज़िंदगी के सभी सपने, ज़िंदगी के सभी ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। क्योंकि कुछ देर की खामोशी है, कानों में फिर शोर होगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, मेरा तो दौर होगा। और यूं ही आपको कामयाबी नहीं मिल जाती। कामयाबी को पाने के लिए आपको हर वक्त जगना पड़ता है, हर वक्त तपना पड़ता है, उसी एफर्ट के साथ, उसी जुनून जोश के साथ आपको मेहनत जो है करना पड़ता है, तब जाके सक्सेस मिलेगा, तब जाके कामयाबी मिलेगा। सक्सेस, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगा। बस इसके लिए अपने आप पर भरोसा करना है, अपने आप पर जो है विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, और आलस्यपन को जो है त्याग दो। बिलीव एक ऐसा चीज़ है, यदि पूरी दुनिया आपके खिलाफ़ रहे, यदि इस दुनिया में किसी को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है, लेकिन यहीं अगर आपको अपने आप पर भरोसा है, खुद के ऊपर भरोसा है कि हाँ यार मैं कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता हूँ, मतलब आप जो है डेफिनेटली कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि आपके सोच से बड़ा जो है कुछ भी नहीं है, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बन जाते हैं। तो अपने सोच को मजबूत कीजिए, अपने सोच को जो है बड़ा कीजिए। जितना ज़्यादा आपका बेहतर सोच रहेगा, जितना ज़्यादा आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स के लिए लॉयर रहोगे, तैयारी करोगे, उतने ही अधिक आपको सक्सेस जो है मिल पाएगा। सक्सेस के पीछे भागो, कामयाब मेहनत करने के पीछे भागो, कामयाबी आपके पीछे भागेगी, और एक न एक दिन आपको ज़िंदगी में शोहरत जो है मिलने वाला है, सिर्फ मेहनत के अकॉर्डिंग। तो अच्छे से मेहनत करो। सो आई होप अगर वीडियो से आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, अगर वीडियो से आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशंस को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोस को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में वीडियोज़ को शेयर कीजिए। सो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर जो आप सभी स्टूडेंट को नए नए वीडियोज़, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियोज़ जो है मिलते रहेंगे। बस आपको यही बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी एक है, सपने अनेक हैं, सपने देखो और उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ो।